नमस्कार, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका धारकर डायरी में। वैश्विक महामारी के रूप में अभी बहुत बड़ी समस्या बन रही है कोरोना वायरस के चलते। समस्या हिंदुस्तान में भी कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जबकि हिंदुस्तान किसान जिसको कि इस समय अपनी फसल को तैयार करने के दौर से और उसको बेचने के दौर से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे हालातों में जहां किसान अपनी फसलों को ठीक से मंडियों तक पहुंचाकर उसका पैसा नहीं ले पा रहा है, कोरोना वायरस के चलते अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे हालातों में भी मध्य प्रदेश में नीमच के सिंगोली और शहनातलाई ग्राम पंचायत के किसानों ने अपने अपने घर से घर के बाहर बड़े साधन लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जितना अपना सहयोग हो सकता है अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में गांव सेना तलाई महपुरा मोटी मोतिया राड़ा सिंगोली एवं इसके साथ में और अनेक गांव धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां सरकार खुद गरीब लोगों को गेहूं अनाज मुफ्त करवा रही है उपलब्ध, वहीं दूसरी ओर इन ग्रामीण किसानों ने, यहां पर सभी वर्ग के किसान हैं, आम आदमी से लेकर अच्छी हालत तक के आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रकार के किसानों ने आगे होकर प्रधानमंत्री जी को गेहूं का कलेक्शन करके उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको प्रधानमंत्री केयर फंड में देने का फैसला किया है। ये दिखाता है कि हमारा हिंदुस्तान आज भी बिगड़े हालातों में गंभीर स्थिति में गरीब भी किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करके हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में नीमच के सिंगोली और शहनातलाई ग्राम पंचायत के इन सभी गांवों को आज चारों तरफ प्रशंसा मिल रही है और यहाँ के नैमी चंद धाकड़, प्रकाश चंद धाकड़, पारस धाकड़, बहरूलाल बैरागी, प्रकाश चंद राधेश्याम एवं समस्त युवा साथी एक और बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली कि अब यहाँ का हर एक युवा से लेकर ग्रामीण किसान सभी खास हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ की इनकी पहल चर्चा का विषय बन गई है कि जिसमें इनके नीमच के कलेक्टर साहब से लेकर प्रशासन तक इनसे जुड़ने का प्रयास करने लगा है, क्योंकि सरकार खुद ऐसे पहल करने वाले लोगों को आगे लेकर आने का प्रयास कर रही है। बात करें तो इन दिनों किसानों के खेतों में सब्जियां उग रही हैं, वो सब्जियां क्योंकि बाजार इतनी अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं तो ग्रामीणों ने फैसला किया है कि उन सब्जियों को भी वो मुफ्त रूप में अपने आसपास जहां जिसको ज़रूरत होगी ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाएंगे। तो न केवल अनाज खाने के लिए बल्कि सब्जियों की भी यहाँ पर विशेष एक कैंपेनिंग के रूप में यहाँ के लोगों ने प्रयास किए गए हैं। निश्चित रूप से शहनातलाई ग्राम पंचायत नीमच के सिंगोली में ये सभी ग्रामीणवासी चर्चा का विषय बन चुके हैं। लगातार आगे से आगे गांव के फोन आने लगे हैं। ओम धाकड़ से मिली जानकारी के अनुसार ओम धाकड़ मैट्रिमोनी ने बताया कि अब लोगों के फोन आने लगे कि हमारे यहाँ पर इतने क्विंटल गेहूँ इकट्ठे हो गए, कृपया इनको ले जाकर पैसे से बेच कर पीएम केयर खंड में पैसे का योगदान। धाकड़ लाइव न्यूज के संवाददाता के रूप में बात करते हुए ओम धाकड़ धाकड़ मैट्रिमोनी ने बताया कि जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, ऐसा विचार किया कि सभी के एक दूसरे साझा प्रयास के साथ एक एक गरीब आदमी का भी अगर 1 किलो गेहूं भी अगर उनको मिलता है और देश के हित में योगदान होता है तो ये बड़ा प्रयास होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से ये शहनातलाई ग्राम पंचायत और आसपास के सभी ग्रामवासियों से लेकर ये आवाज़ बुलंद हो चुकी है और समाचार पत्रिकाओं से लेकर डिजिटल मीडिया तक ये खबर चर्चाओं में चल रही है और यहाँ का युवा और ग्रामीण किसान जोश खरोश के साथ इस आपदा से निपटने में अपनी ओर से अनाज का योगदान देकर एक प्रयास कर रहा है। बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से कि हर कोई लॉकडाउन की अपने फर्ज को अदा कर रहा है। तो बना रही आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।